हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू करा था ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री में हमने एक थ्योरी कराया जिसमें क्लास 10th जो CBSE के बच्चे हैं, जो NCERT को फॉलो करते हैं, उसके लिए वो लेक्चर था। और उसमें कंप्लीट थ्योरी हमने उसमें करा दी है। किसमें? इससे पहले वाले वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसको देने की कोशिश करूँगा, आप उसको देख लें, ठीक है? अगर आप जानते हैं बेसिक्स तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो नीट और JEE का प्रिपरेशन करते हैं। JEE को तो कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि JEE वाले मैथ्स को एडवांस जानते ही हैं, लेकिन नीट वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि नीट को एक बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक्स आपको आना ज़रूरी है। और आज के इस लेक्चर में जितनी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री में तो नहीं, फिज़िक्स में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ट्रिगोनोमेट्री की, तो फिज़िक्स में जितने ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी वो कम्प्लीट इसमें डिस्कशन हो जाएगा। और जो बेसिक्स है वो आप पीछे वाले लेक्चर से देख लें, या आप ऑलरेडी क्लास 10th को अच्छे से जानते हैं तो बहुत बेटर है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर को हम शुरू करेंगे साइन एक्स प्लस वाई वाले फार्मूले से। किससे शुरू करेंगे? साइन एक्स प्लस वाई वाले फार्मूले से, ठीक है? कैसे इसको समझेंगे? इसको समझने के लिए हम लोग, ये तो फार्मूला बता दिया जाता है, बट मैं फार्मूला बेस्ड बात नहीं करूँगा। मैं आपको पूरा का पूरा फिजिकली टच कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है? देखते हैं कैसे इसको प्रूफ कराते हैं, और बहुत ही सिंपल प्रूफ है, इससे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल, ठीक है? अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हमने क्या किया, एक यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है? अब क्या होगा, थोड़ा सा मेरा फिगर का बुरा हाल होता है, आप इसको इग्नोर करें, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसमें हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है? मैं थोड़ा मोटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फोकस्ड हूँ, ठीक है? आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? शायद दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है? और इस एंगल को हमने क्या मान लिया, वाई एंगल मान लिया, क्या मान लिया? और ये जो एंगल है इसको हमने क्या मान लिया, एक्स एंगल। तो ये आपने बना लिया। और यहाँ पर फिर हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ से भी हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक? तो ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक? उसके बाद फिर क्या किया हमने, फिर यहाँ पे भी एक हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। इतनी बात आपको समझ आ रही है? सबको हम कुछ मान लेते हैं, क्या क्या मानेंगे बताइए। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। अब लोग इस पे डिस्कशन करते हैं कि क्या बात है यहाँ पे, ठीक है? अब क्या बात है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस वाई हमें चाहिए। तो ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल आप देखिए, ये क्या एक्स प्लस वाई। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, पीछे वाले लेक्चर को अगर देखें, या आपको ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक्स आती है, तो इस ट्रायंगल को आप देखिए, ए बी ई, इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है ये क्या है, एक्स प्लस वाई। और इसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बी ई, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई। होता क्या है साइन, साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो इस एक्स प्लस वाई, इस एंगल के लिए, पूरा एंगल एक्स प्लस वाई है, इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, बी ई, दैट इज बी ई। और हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, ए ई। तो बी ई ओवर ए। तो हमारे पास जो साइन एक्स प्लस वाई का रिजल्ट आ रहा है वो बी ई बटे ए। तो बी ई है कितना, बी एफ प्लस एफ ई, दैट इज बी एफ प्लस एफ ई ओवर ए ई। हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एफ के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। ये 90 डिग्री है, ये 90, ये 90, ये 90, क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। दैट इज़ बी एफ के प्लेस में, बी एफ का ऑपोजिट साइड कौन है, सी डी। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी एफ के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी, दैट इज सी डी प्लस एफ ई ओवर ए। इसको कैसे लिख सकते हैं फिर हम लोग, सी डी ओवर ए प्लस एफ ई ओवर ए।
इतनी बात आपको समझ आ रही है, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे बताइए। अब देखिए सी डी, सी डी के लिए अगर इस ट्रायंगल को देखें, सी डी किस ट्रायंगल में आ रहा है, सी डी आ रहा है ए सी डी वाले ट्रायंगल में। सी डी के लिए हाइपोटेन्यूज कौन है, ए डी, तो सी डी को हमने ए डी से डिवाइड किया और उसके बाद ए डी से फिर यहाँ मल्टीप्लाई भी किया। तो अब बोलेंगे ऐसा क्यों किए, आप समझेंगे। ठीक है, ए डी ए डी कैंसिल होके तो यही ना आ जाएगा। अब देखिए मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है, पहले आगे मैं कर लूँ। प्लस एफ ई, देखिए एफ ई, एफ ई में अगर हम देखें ये 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज कौन है, डी ई, दैट इज एफ ई ओवर क्या होगा, डी ई, डी ई से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डी ई से डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए इधर है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है ए। ठीक, तो अब आप देखें डी डी कैंसिल हो गया, यही ना बचेगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये एंगल कितना है बताइए, एक्स, ये एंगल कितना है एक्स, और ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। जिसको न समझ आए, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस एक्स है और ये एक्स है, ये दोनों जोड़िएगा तो एक्स एक्स कैंसिल, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, ये आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताइए, एक एंगल अगर ये 90 डिग्री है, ये अगर थीटा है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री माइनस एक्स है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये एक्स होगा, कितना होगा ये एक्स होगा, बात समझ आ रही है, 90 डिग्री माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल तो 90 डिग्री बचेगा, ये एक्स और ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो इसको कितना होना पड़ेगा बताइए, ये होगा 90 डिग्री माइनस एक्स। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा, ये 90 डिग्री माइनस एक्स और ये 90 डिग्री है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स। तो पूरी कहानी आपको वहाँ की समझ आई होगी, इतनी तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ आपसे। सी डी बटे ए डी, देखिए इस ट्रायंगल सी डी बटे ए डी, तो इस ट्रायंगल में अगर देखें सी डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है, और 90 डिग्री का ऑपोजिट ये कि हाइपोटेन्यूस है, और ऑपोजिट बटे हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन, कौन से एंगल के लिए, एक्स के लिए, दैट इज ये क्या हो गया बताइए, साइन एक्स इंटू ए डी बटे ए। अब ए डी ए इस ट्रायंगल में देखें तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, तो ए डी ई को अगर देखें तो ए डी क्या हो गया, वाई के रिस्पेक्ट में बेस हो गया, और ये 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, ए, और बेस बटे हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस, कौन से एंगल के लिए हुआ, वाई के लिए, दैट इज कॉस वाई। इसमें कई राइट एंगल्स हैं, ध्यान से देखिएगा। प्लस एफ ई बटे डी, एफ ई बटे डी इस ट्रायंगल में अगर देखें जो एफ ई है वो एक्स के रिस्पेक्ट में बेस है, और 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, डी, हाइपोटेन्यूस है, किसके रिस्पेक्ट में, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस और 90 डिग्री का ऑपोजिट होता है। अगर हम एफ डी ई ट्रायंगल को देखें तो एक्स के रिस्पेक्ट में एफ ई बेस है और डी हाइपोटेन्यूस है, और बेस बटे हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस, और कौन सा एंगल, एक्स, दैट इज कॉस एक्स इंटू डी ई बटे ए, डी ई बटे ए। अब ये ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ए डी ई ट्रायंगल, ठीक है, इसमें अगर देखें वाई के रिस्पेक्ट में जो डी ई है वो परपेंडिकुलर है, और इस 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, ए, डी बटे ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये फार्मूला आपको याद कराया जाता है, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर समझ नहीं आ रहा है, सर क्या करें, तो मैं देखता हूँ फिर क्या कर सकता हूँ आपकी। ये फार्मूला आपको याद करना है, अब साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कैसे याद रखना है, साइन कॉस कॉस साइन, बीच में प्लस होगा, ठीक है, उतार लें आप। चलिए उतार लिए होंगे आप, बहुत अच्छे, ये फॉर्मूला आपको बहुत दूर लेके जाएगा, इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है। क्या फार्मूला हमने सीखा, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब एक बात हमें सीखनी है, वो क्या, ठीक है, अगर हम
यहाँ पे रेफरेंस लें और इधर अगर गए, ये हमने मान लिया कि ये थीटा है, ठीक है थीटा है, और ये जितना साइज़ का है उतना साइज़ का ये, इसको हमने मान लिया पी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी, अगर ऑपोजिट है तो वो बाद की बात है, समझ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा बेस है, ठीक है, इसी पर बेस है हमारा, इसको और ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूज कर जाएं तो हम इधर से ले रहे हैं, ये ज़्यादा आपको समझ आएगा। हमने क्या किया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल हमने कितना लिया थीटा। अभी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मत समझा, थीटा निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा अगर हम माइनस थीटा लें, तो मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री, ये थीटा, दोनों बराबर, दो एंगल्स तो बराबर हो गए इन दोनों ट्राइंगल्स के, और ये हमारा कॉमन साइड है, तो ये दोनों जो होगा कनग्रुएंट होगा, क्या होगा कनग्रुएंट होगा। इसको अगर हम पी माने तो इसको क्या मानना पड़ेगा माइनस पी, ये रेफरेंस हमने ले लिया ऑरिजिन, इससे ऊपर प्लस पी, तो इससे नीचे क्या होगा माइनस पी, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बेस, आप समझ पा रहे हैं। तो मैं अगर इसमें लिखूँ तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अगर लिखूँ, और 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री ऑपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा क्या होगा बताइए, इस थीटा के रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, और मैं लिखूँ अगर साइन माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा बताइए, पी नहीं होगा, क्या होगा माइनस पी, और हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री पे डिपेंड करता है, वो थीटा पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो थीटा के रिस्पेक्ट थीटा को निगेटिव करते हैं तो परपेंडिकुलर भी क्या हो रहा है निगेटिव, बट थीटा निगेटिव करने से बेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस अगर निगेटिव था तो निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा। तो हमने क्या सीखा, पी बटे एच कितना है साइन थीटा, दैट इज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं, फंक्शन अगर जानते हैं तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन, मैं उस पर अभी इन्वॉल्व आपको नहीं कर रहा हूँ। कॉस थीटा की अगर बात करें, कॉस थीटा क्या होगा बेस बटे हाइपोटेन्यूस, कॉस माइनस थीटा ये भी क्या होगा बेस बटे हाइपोटेन्यूस, बात समझ आ रही है, तो कॉस माइनस थीटा लिखें या आप कॉस प्लस थीटा लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होगा कॉस माइनस थीटा, अगर कॉस थीटा अगर निगेटिव आ रहा है तो कॉस माइनस थीटा भी निगेटिव होगा, और अगर साइन थीटा निगेटिव आ रहा है तो साइन माइनस थीटा क्या आएगा पॉजिटिव, और साइन थीटा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस साइन थीटा क्या आएगा निगेटिव, यहाँ बदल जाएगा वैल्यू, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वैल्यू सेम रहेगा साइन बदल जाएगा, बट यहाँ पे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। उसी तरह आप टेंजेंट का जान सकते हैं, मैं बता ही देता हूँ, साइन का जान लिए तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कौन है कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो कोस थीटा और सेक थीटा ये क्या है दीज आर ऑड इवन फंक्शन, और ये कैसा है ऑड फंक्शन है। अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो बताइए क्या हो जाएगा, ये भी बता ही दे रहा हूँ, टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस क्या टेन थीटा, दैट इज टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ये भी उतार सकते हैं। उसी तरीके से कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, तो टेन कॉट सेक और कोसेक, टेन कॉट साइन और कोसेक दीज आर ऑड फंक्शंस, कॉस एंड सेक आर इवन फंक्शंस, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है, उतार लें, इस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपने जाना है कॉस 180 डिग्री कितना होता है माइनस वन, तो कॉस माइनस 180 डिग्री भी क्या होगा माइनस वन, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस तरह की बात उतार लें, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, डन। चलिए तो हमने साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जाना, और एक बात जाना हमने, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ साइन एक्स प्लस वाई के प्लेस में माइनस वाई कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन माइनस वाई, तो क्या लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस माइनस वाई करेंगे तो कॉस वाई रहेगा, अभी हमने जाना साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस साइन माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, अभी हम लोगों ने जाना, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो किसका फार्मूला हो गया साइन एक्स माइनस वाई का। तो हमने साइन एक्स माइनस वाई जान लिया,
और क्या हमने जान लिया, साइन एक्स प्लस वाई जान लिया। तो फार्मूला आप अलग से एक जगह लिख लें, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये दो फार्मूले हो गए साइन के। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा, उतार लें इतना, डन बच्चों। तो ये साइन की कहानी है, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ कहानी हम लोग पढ़ लेंगे साथ में। मैं अगर लिखता हूँ साइन टू थीटा तो क्या होगा बताइए, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, दैट इज अभी हमने जाना साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, वाई भी थीटा है, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, दोनों सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी क्या साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसके बारे में बात हो गई, साइन टू थीटा। कभी कभी ऐसा इस्तेमाल होता है कि साइन टू थीटा, थीटा को हमने यहाँ से यहाँ पे टू से डिवाइड किया, थीटा के प्लेस में हमने क्या लिखा थीटा बाई दो, तो यहाँ पे भी क्या होगा थीटा बाई दो, यहाँ पे क्या होगा थीटा डिवाइड बाई टू, क्या हो जाएगा टू टू कैंसिल, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा ओवर टू इंटू कॉस थीटा ओवर टू। अब आपको क्या समझना है कि यहाँ पे एंगल डबल है, यहाँ पे एंगल उसका आधा है, मतलब यहाँ जितना एंगल है उसका डबल है, यहाँ पे यहाँ जितना है उसका ये आधा है यहाँ पे, ठीक है, इतना ख्याल है। थीटा थीटा बाय दो, यहाँ थीटा ओवर दो होगा तो थीटा ओवर फोर हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर हम बोलें साइन टू थीटा का, और एक फार्मूला बता सकते हैं यहाँ से क्या, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अगर डिवाइड करें हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से, और इसका वैल्यू कितना होता है वन, आपको पता होगा p बटे एच का होल स्क्वायर प्लस b बटे एच का होल स्क्वायर सॉल्व करके वन लेके आए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख लें। तो वन से हम डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर को, किसी नंबर को अगर वन से डिवाइड करें तो उस नंबर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने इतना से डिवाइड कर दिया, वन से डिवाइड कर दिया, और नीचे हमने किससे डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से, ऊपर भी हमने किससे डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो जाएगा साइन टू थीटा, ये हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और या कॉस थीटा एक चला जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, टू टेन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा वन, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन टू थीटा का एक और फार्मूला आ गया, यहाँ अगर थीटा करेंगे तो यहाँ थीटा बटे दो करना पड़ेगा, उतार लें। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा, साइन थ्री थीटा भी जानना है लेकिन अभी हम ये समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए और भी कुछ जानना पड़ेगा पहले। तो ये साइन टू थीटा की कहानी हो गई, और इसमें क्या क्या जान सकते हैं, मैं अगर बोलूं साइन 15 डिग्री कैसे निकलेगा, आपको किसका किसका पता है, 45 डिग्री का पता है और 30 डिग्री का पता है, तो क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आप अगर चार्ट देखें, मैंने चार्ट बनाना भी सिखाया है कि आपको जब भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल से आपको आ जाना चाहिए चीज़ें। 45 डिग्री की अगर बात करें तो कैसे बन जानेंगे, ये 90 डिग्री, ये 45 और ये 45, बस याद दिला रहा हूँ, ये 1 1, ये कितना रूट टू। 30 की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, इसका ऑपोजिट कितना 1, इसका ऑपोजिट कितना रूट 3, इसका कितना 2, ठीक है। साइन 45 डिग्री 1 ओवर रूट 2, कॉस 30 डिग्री बेस बटे हाइपोटेनस रूट 3 ओवर 2, माइनस कॉस 45 डिग्री 1 बटे रूट 2, साइन 30 डिग्री 1 बटे 2, ये कितना आ जाएगा बताइए रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2, तो ये किसका वैल्यू हो गया साइन 15 डिग्री का। और आपको पता होना चाहिए साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा कॉस 75 डिग्री का, कैसे, क्योंकि हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री यही ना होगा, और कितना होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, बात समझ आ रही है। तो कॉस 75 डिग्री का वैल्यू और साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2, जिसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगा, मैंने पहले ही बता दिया। तो साइन 15 डिग्री निकल गया, तो उसी तरह क्या निकाल सकते हैं साइन 75 डिग्री कैसे निकलेगा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सेम वही कैलकुलेशन होगा, माइनस के जगह बीच में क्या आएगा प्लस, आएगा रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 रूट 2, और जो साइन 75 डिग्री का वैल्यू होगा वही कॉस 15 डिग्री का वैल्यू होगा, जो आगे हम वेरीफाई भी कर देंगे कैसे होगा ये वाले फार्मूले से। तो 15 डिग्री 75 डिग्री के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, उतार लें, डन।
और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन जितना मैं आज बता सकता हूँ मैं बता दूँगा। अब क्या होगा, बाद में तो कुछ चीज़ें जानेंगे ही, अभी आप कुछ चीज़ें याद रखें। जैसे मैंने बताया था पाई कितना होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो पाई बटे दो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, 3π/2 कितना हो जाएगा, π/2 90 दिया, 270 डिग्री। इन चीज़ों को हटा के मैं ये सब लिखूँगा, ठीक है, ये ख्याल में रखें आप। उसके बाद अगर 2π बोलें तो कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, ये सब इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होगा, हमें जो जानना है, मैं अगर लिखूँ साइन π/2 माइनस थीटा, पहले ही जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या फार्मूला है, अभी हमने बताया साइन π/2 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस π/2 इंटू साइन थीटा। साइन π/2 कितना होता है, 1, मतलब 90 डिग्री। कॉस थीटा माइनस कॉस π/2 कितना होता है, 0, कॉस 90 डिग्री 0, इंटू क्या, साइन थीटा। 1 इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा 0, दैट इज आएगा कितना, कॉस थीटा। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कोई शक इसमें नहीं है। बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, आप अगर इस क्वाड्रेंट को देखें, ये 0, 90 डिग्री मतलब π/2, पाई 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना, 180 डिग्री, पाई पाई प्लस 90 270 डिग्री मतलब 3π/2, 3π/2 प्लस π/2 4π/2 2π, 90 डिग्री है ये, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, कैसे घूम रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो π/2 माइनस में ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, π/2 माइनस थीटा किया, साइन किस में बदल गया, कॉस में। तो जब भी π/2 90 डिग्री के साथ ऑपरेशन होगा तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। अब आते हैं हम लोग साइन π/2 प्लस थीटा में। ठीक है, अब π/2 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ माइनस के जगह बस प्लस होगा, और ये प्लस जीरो करेंगे तो आएगा कितना, कॉस थीटा ही आएगा, कोई शक इसमें नहीं है। दैट इज π/2 के साथ ऑपरेशन करें तो माइनस थीटा करें या प्लस थीटा करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों में कॉस ही आएगा। दैट इज यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी साइन का वैल्यू पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पे, साइन पाई माइनस थीटा। साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन पाई का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो, मैंने बता दिया है पिछले लेक्चर में, जाके देख सकते हैं। साइन पाई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई इंटू साइन थीटा। अब साइन पाई का वैल्यू जीरो होता है, जीरो इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई कितना होता है, मैंने बताया था कॉस जीरो डिग्री 1 होता है, तो कॉस पाई दैट इज कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होगा। नहीं जानते हैं तो आपको पीछे के लेक्चर में चीज़ें मिलेंगी। ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जीरो प्लस साइन थीटा, तो कितना आया, साइन थीटा, दैट इज साइन पाई माइनस थीटा कितना आया, साइन थीटा। तो हमने क्या समझा कि पाई के साथ जब भी ऑपरेशन करेंगे तो साइन थीटा साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, बट π/2 के साथ ऑपरेशन करेंगे तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, ये आपको दिमाग में रखना है। मैं अगर लिखूँ साइन, क्या लिखूँ, पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ माइनस के जगह प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस रह जाएगा। इसको अगर इसी तरीके से आगे लेके बढ़ेंगे तो ये आएगा कितना, माइनस साइन थीटा। इससे पता चला कि पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, पाई प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसकी, साइन 3π/2 की, किसकी, 3π/2 माइनस थीटा। तो 3π/2 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको अगर सॉल्व करें, ये सब आपको समझ आया होगा, एक साथ फिर हम लोग नोट कर लेंगे फटाक से, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं अगर लिखूँ साइन 3π/2 दैट इज साइन 3π/2 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3π/2 इंटू साइन थीटा। इससे घबराने की ज़रूरत है, साइन π/2 1 होता है, साइन 3π/2 क्या होगा, माइनस 1, माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस π/2 0 होता है तो कॉस 3π/2 भी क्या होगा, माइनस 0, 0, 0 इंटू साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और ये तो 0 हो गया। दैट इज 3π/2 के साथ जब ऑपरेशन होगा तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 3π/2 माइनस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन, साइन, ये आपको ख्याल में रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें
साइन 3π/2 प्लस थीटा। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सब वही पे होगा, इधर जीरो हो गया, क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा ही बचेगा, बस यहाँ प्लस करेंगे प्लस जीरो करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसी तरह से क्या होगा, साइन 2π - थीटा, 2π मतलब यहाँ पे पहुँच गए, 2π मतलब एक चक्कर कंप्लीट करके पीछे आए, जितना पीछे आएंगे वही ना बचेगा, देखते हैं कैसे। क्या हो जाएगा, साइन 2π cos θ - cos 2π साइन थीटा, साइन 2π कितना होगा, साइन 0 0, साइन 2π भी 0, 0 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2π, कॉस 0 1, कॉस 2π भी क्या होगा 1 इंटू साइन थीटा, दैट इज 0 - sin θ, तो क्या बचेगा -sin θ। तो साइन 2π - θ क्या बचा, -sin θ, दैट इज 2π की वजह से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, साइन -θ क्या बचेगा -sin θ बस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई, क्योंकि 2π बेसिकली कहाँ पे पहुँच गए, एक चक्कर काट के 0 में पहुँच गए। इसी तरह अगर हम साइन 2π + θ करें तो ये माइनस की जगह क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, बस क्या बचेगा sin θ। और ऐसा क्यों ना हो, साइन 2π मतलब वहीं पे पहुँच गए घूम के, फिर जितना हम आगे जाएंगे थीटा तो वही ना होगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ साइन 2π + π/6 मतलब ये 30 डिग्री है, तो ये 2π को आपको इग्नोर कर देना है, बस क्या बचेगा sin π/6, पीछे आएंगे तो यहाँ पे होगा, बात समझ आ रही है। तो साइन 2π माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव आ रहा है। साइन 3π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव आ रहा है। और हमने क्या सीखा कि फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव आ रहा है, थर्ड में फोर्थ में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखिए साइन 2π + θ फिर फर्स्ट में आ गया, फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव आया, इससे हमने कंक्लूजन निकाला, साइन आया पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे, बाद में सीखेंगे ये हम लोग, एक ट्रिक भी बताया जाता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ठीक है। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेक मतलब टेंजेंट पॉजिटिव, कॉफ़ी मतलब सी से कॉस पॉजिटिव, ये आगे जाके सीख लेंगे। तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है बताइए, फर्स्ट में पॉजिटिव है और सेकंड में पॉजिटिव है, और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है, और पाई बाय टू के साथ ऑपरेशन करेंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, और पाई और 2π के साथ ऑपरेशन करेंगे तो साइन साइन ही रहेगा, आपको प्लस और माइनस का साइन का ख्याल रखना है। उतारे इतना, डन। चलिए एक बात और हमने जो सीखी वो क्या, ये आप लिख लीजिए, जैसे मैं बोलूँ साइन 750 डिग्री, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली क्या है, साइन 360 डिग्री * 2 है, दो बार हमने चक्कर काटा, उसके बाद इसमें कितना हमने ऐड किया 30 डिग्री, तो एक चक्कर में यहीं पहुँचे, दो चक्कर में यहाँ पहुँचे, उसके बाद 30 डिग्री ऐड कर दिया, तो आपका बस साइन 30 डिग्री बचेगा और आंसर होगा हाफ। इस तरीके से आप कोई भी बड़ा से बड़ा डिग्री का एंगल का जो वैल्यू है साइन कॉस टेन का निकाल सकते हैं। ये बात आपने समझ गए, बहुत अच्छे। अब मैं उसको एक साथ लिखूँ, हमने क्या क्या सीखा, साइन π/2 - θ, साइन π/2 + θ, साइन π - θ, यहाँ 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, या 90 डिग्री लिख सकते हैं, साइन π + θ, π/2 - π/2 + सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 - फर्स्ट क्वाड्रेंट, π - सेकेंड क्वाड्रेंट, π + थर्ड क्वाड्रेंट, फिर साइन क्या होगा 3π/2 - θ, फिर क्या होगा साइन 3π/2 + θ, फिर क्या होगा साइन 2π - θ, फिर क्या होगा साइन 2π + θ। बहुत ईजी है, इसको लिखना कैसे लिखेंगे, π/2 π/2 π/3 π/3 क्या होगा, कॉस में बदल जाएगा, cos θ पाई किस में बदल जाएगा बताइए, sin θ। आपको तो मेन फार्मूला पता ही है, नहीं भी आता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन तब भी करा दे रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, π - पॉजिटिव π + थर्ड में नेगेटिव, 3π/2 - नेगेटिव, 3π/2 + नेगेटिव, 2π - नेगेटिव, 2π + पॉजिटिव। तो ये पूरा का पूरा हमने एक चार्ट बता दिया आपको, इतना उतार लें। तो साइन की जितनी सारी कहानियाँ थी हमने ख़त्म कर दी। इसके बाद आपको साइन क्यूब थीटा, साइन 3θ के बारे में पढ़ना है, जो कि कॉस का जब इन्फॉर्मेशन जान लेंगे तब ये हम लोग जान सकते हैं, इतना उतार लें। चलिए डन, 1 2 3। तो हमने जान लिया साइन x + y और साइन x - y, कोई बात नहीं। मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे साइन 90° - x + y, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो थीटा है ना, साइन 90° - θ क्या होता है, कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस x + y।
ये बात आप समझ गए। चलिए बहुत अच्छे, तो इसी को अगर हम लिखें, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एक्स अलग कर दिए, माइनस वाई अलग कर दिए। समझ पा रहे हैं आप, 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स, इसको वाई, और साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। थोड़ा सा रुकिए, कुछ हो गया, थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया शायद, चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा x है और ये y है, तो x के प्लेस में 90 डिग्री माइनस x है, दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस x इंटू साइन वाई। अब ये सारी जो चीज़ है, साइन 90 डिग्री माइनस x या कॉस 90 डिग्री माइनस x, इसको जानना है तो आपको पीछे वाले लेक्चर को देखना पड़ेगा, तब समझ आएगा, या आप जानते हैं तो अच्छी बात है। साइन 90 डिग्री माइनस x क्या हो जाएगा बताइए, कॉस x इंटू क्या हो जाएगा फिर कॉस y माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस x, ये होता है साइन x। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, आप जान सकते हैं। तो हमने क्या जाना, और ये कितना के बराबर है, ये कॉस एक्स प्लस वाई के बराबर, दैट इज हमने क्या जाना, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और आपको फार्मूला एक जगह लिखना, ये आपकी जिम्मेदारी, एक साथ सारा लिखने की कोशिश करें, मैं घेर भी दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ये फार्मूला हमारे पास नया आ गया। कॉस का जो फार्मूला है वो कॉस कॉस साइन साइन, और साइन का जो फार्मूला था वो साइन कॉस कॉस साइन था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें, ये क्या हो जाएगा, प्लस के लिए क्या आया, माइनस आया। और अगर मैं क्या बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कॉस एक्स प्लस वाई की जगह माइनस वाई लिखूँ, तो क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन माइनस वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई, और कॉस माइनस वाई कॉस प्लस वाई ये होता है, मैंने पीछे बताया, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन माइनस वाई क्या होगा, माइनस साइन वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो एक फार्मूला और भी हमारे पास आ गया। तो हमने इससे पहले क्या जाना था, इससे पहले हमने जाना था कि साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, अभी हमने जाना कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। उतार लें इतना, डन, चलिए बहुत अच्छे। एक साथ मैं लिख देता हूँ, हमने जाना कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और अगर यहाँ माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, अलग से लिख देता हूँ, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर हमको जानना है कॉस 15 डिग्री तो कितना हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस के लिए क्या होता है, प्लस, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस के लिए कॉस 41 बाई रूट टू कॉस 30 रूट 3 ओवर 2 प्लस साइन 45 1 ओवर रूट 2 साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज क्या होगा, रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 रूट 2, मैंने पहले ही बता दिया था। इस तरीके से कॉस 75 डिग्री भी आप निकाल सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये हो गया 15 डिग्री और 75 डिग्री जैसे एंगल्स को जानना, एक तो ये हमने इससे जाना, दूसरा मिटाऊं 1 2 3, और क्या जान सकते हैं, वहाँ पे जाना था साइन 2x, तो यहाँ पे भी जानेंगे क्या, कॉस 2x या कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का मतलब क्या है, थीटा प्लस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस थीटा यहाँ पुट कर देंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप एक फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो हो गया ये वाला फार्मूला कॉस 2 थीटा के लिए, एक ये हो गया, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा होने से थीटा बटे 2 होता, ठीक है, मैं वो बता नहीं रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं इसी को लिखूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो एक और जान लिया हम लोग, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन उतार लें इतना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम इसी को फिर एक बार लिखें तो कॉस टू थीटा हमने जाना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू वन होता है और वन अगर से डिवाइड करें किसी को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्या फ़ायदा होगा, नीचे भी हमने डिवाइड किया किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, ऊपर भी किससे डिवाइड किया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर कैंसिल वन प्लस साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। दैट इज कॉस टू थीटा का और एक हमारे पास फार्मूला आ गया, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उतार लें आप, डन। चलिए उतार लिए होंगे। तो हमने कॉस टू थीटा के बारे में अगर जाना, इसमें क्या क्या जाना, इसमें हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, चौथा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कॉस टू थीटा बराबर क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा बटे दो। ये सब की ज़रूरत पड़ती है, बस वही फार्मूला है, उसी को हमने इधर उधर कर दिया। और अगर हम लिखें कॉस टू थीटा बराबर क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो क्या माइनस वन इस पर प्लस वन हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। इस तरह से चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करूँ इसको, इसको फर्स्ट मान लूँ और इसको सेकंड मान लूँ, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बटे टू कॉस स्क्वायर थीटा अगर करें, टू साइन स्क्वायर थीटा बटे टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इतना इतना बटे इतना करें तो इसका राइट इसका लेफ्ट डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ वन माइनस कॉस टू थीटा बटे वन प्लस कॉस टू, टू कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा बटे वन प्लस कॉस टू थीटा। एक और रिजल्ट ये आपको समझ आना चाहिए, हमने क्या किया इसका राइट इसका लेफ्ट लिए, मतलब एक तरफ करके टू साइन स्क्वायर बटे टू कॉस स्क्वायर, तो ये दोनों डिवाइड करेंगे तो इस दोनों को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, वन माइनस कॉस टू थीटा बटे वन प्लस कॉस टू थीटा कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब रिजल्ट्स हैं, बस ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, उतारते जाए, डन। चलिए तो हमने कॉस टू थीटा भी जान लिया, अब इसमें भी हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, जैसे मैं लिखूं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा किया था, उसी तरह क्या कर सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस थ्री पाई बाई टू, याद नहीं रखना है आपको, समझना है, कॉस टू पाई माइनस थीटा, कॉस टू पाई प्लस थीटा। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये ज़ीरो, नब्बे डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था, क्या बताया था, ट्रिक तो नहीं है, बस आपको समझना है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। कैसे होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, कोई भी एक उठाएं कॉस पाई माइनस थीटा, अगर हम करें कॉस पाई माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस पाई इंटू कॉस थीटा, माइनस के लिए प्लस, साइन पाई इंटू साइन थीटा, ठीक है। कॉस पाई क्या होता है, माइनस वन इंटू कॉस थीटा, साइन पाई ज़ीरो इंटू
साइन थीटा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। दिस कॉस पाई माइनस थीटा कितना आया, माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या बोला था, पाई या 180 डिग्री के साथ ऑपरेशन करेंगे तो कॉस कॉस में ही रहेगा या साइन साइन में रहेगा, लेकिन जब पाई माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉस पाई प्लस थीटा यहाँ पे भी टेन पॉजिटिव है, कॉस तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा ही आएगा करके देखेंगे। तो अगर हम प्लस करें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो जीरो से घटाएं, जीरो घटाएं या जीरो जो जोड़ें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, मैंने बोला था कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा निकालना है, तो ये क्या आएगा साइन थीटा। कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, ये भी साइन थीटा आएगा लेकिन माइनस साइन थीटा आएगा। ये सब आप पुट कर सकते हैं कहाँ पे, फॉर्मूला में। कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा ये किस में बदलेगा, साइन में बदल जाएगा, लेकिन थ्री पाई बाई टू माइनस थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव आएगा। कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा साइन में बदल जाएगा, लेकिन कॉस यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ प्लस आएगा। कॉस टू पाई माइनस थीटा कॉस कॉस में ही रहेगा लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। कॉस टू पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस ही होगा। आप चाहें तो पूरा का पूरा फॉर्मूला में कर सकते हैं, ये आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉस की कहानी हो गई हमारी ख़त्म, उतार सकते हैं। और साइन कॉस अगर पता चल गया तो टेंजेंट तो आप पता कर ही सकते हैं। टेन में क्या हो जाएगा, टेन कॉट में बदलता है और कॉट टेन में बदलता है, सब यही सारी टेक्निक उतार लें। डन, चलिए। मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या है बताइए, कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा ये क्या होगा साइन थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा साइन बटे कॉस, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, और कॉस बटे साइन ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये निकालना बहुत ईजी है, तो जब भी आपको साइन और कॉस का पता चल जाए तो ये मिल जाएगा। तो टेन में क्या होगा, पाई बाई टू के साथ जब ऑपरेशन करेंगे तो टेन कॉट में बदल जाएगा और कॉट टेन में बदल जाएगा। उसी तरह से अगर हम टेन पाई माइनस थीटा करें तो टेन टेन में ही रहेगा, लेकिन टेन पाई माइनस थीटा वो तो आप पूरा का पूरा प्रोसेस करके कर सकते हैं, वरना यहाँ से देख सकते हैं टेन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, टेन तो यहाँ पॉजिटिव है ना, तो यहाँ निगेटिव होगा। और टेन पाई प्लस थीटा अगर करें तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। इसी तरह कॉट के बारे में जान सकते हैं, सेक कोसेक का जान सकते हैं, जैसे हम साइन पाई माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा जानते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा। तो इधर अगर रेसिप्रोकल करेंगे उधर रेसिप्रोकल करेंगे सेक थीटा, बात समझ आ रही है। तो कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। तो आपको आइडिया डेवलप हो जाना चाहिए, ये नहीं कि सारा का सारा लेके हम एक साथ लर्न कर रहे हैं, ऐसा करना गलत है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। तो इतना उतार लें, चलिए। तो साइन जान लिए और क्या जान लिए, कॉस जान लिए। अब क्या जानेंगे बताइए, टेन। अगर मुझे टेन जानना हो, टेन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई बटे कॉस एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है बताइए, साइन एक्स इंटू, याद रहे कि ये जो हमने लिखा नीचे का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से जीरो आए और नॉट डिफाइंड हो जाए, तो मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लिखना चाहिए। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ऊपर हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, कॉस एक्स प्लस वाई क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या करना है बताइए, ऊपर भी हमने डिवाइड किया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से, नीचे भी डिवाइड किया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। पहली बार ये इससे डिवाइड होगा तो साइन कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस। क्या किया हमने, फॉर्मूला पुट किया, उसके बाद ऊपर भी कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड किया, नीचे भी कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये वाला टर्म इससे पूरे से डिवाइड होगा, दैट इज साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स, कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स कैंसिल, साइन वाई बटे कॉस वाई क्या हो जाएगा टेन वाई। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई पूरा कैंसिल, वन माइनस, अब इसके साथ भी होगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होगा टेन एक्स, टेन एक्स इंटू साइन वाई बटे कॉस वाई क्या हो जाएगा टेन वाई, दैट इज टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आया कितना ये। तो अगर मैं बोलूँ टेन एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो माइनस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, मैंने पहले ही बता दिया था। टेन एक्स माइनस टेन वाई बटे वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन माइनस वाई, माइनस टेन वाई होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये आपको अब समझ आ जाना चाहिए। तो ये है कहानी टेन एक्स माइनस वाई की।
इतना उतार सकते हैं आप, उतार लीजिए। तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। साथ में आपको हम क्या बता दे रहे हैं, टेन टू थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस थीटा, दैट इज टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, टू टेन थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन टू थीटा का ये फार्मूला हो गया। साइन टू थीटा क्या क्या था, यहाँ नीचे प्लस था, इसका ख्याल रखें। तो टेन टू थीटा जान लिए, साइन टू थीटा जान लिए, और कॉस टू थीटा जान ली, ठीक है। उतार सकते हैं आप फार्मूला, सब लिखते जाएं, लर्न करते जाएं, इसके प्रोसेस को लर्न करें, ये नहीं कि फार्मूला भूल भी जाएं तो आप याद कर सकें किस किस तरीके से हमने लेके आया था, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई। अगर हमको जानना है साइन 3x तो क्या लिखेंगे बताइए, साइन 2x प्लस एक्स, दैट इज साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस 2x क्या होता है, साइन वाला अगर टर्म लें तो, साइन वाले के टर्म्स में लें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या है कॉस इंटू कॉस, क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट हो गया गलती से जाने दीजिए। साइन एक्स इंटू वन क्या होगा, साइन एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब एक्स। तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स। टू साइन एक्स इंटू वन टू साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स, दैट इज साइन 3x जो होगा, 3x है एक साइन क्यूब एक्स नहीं है, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा, 3 साइन एक्स, लाइक टर्म्स ऐड हो गए, माइनस टू साइन क्यूब एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये साइन 3x का फार्मूला हो गया। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि साइन क्यूब एक्स को आप इन टर्म्स में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, 4 साइन क्यूब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ती है, और साइन क्यूब एक्स लिखेंगे तो 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइन 3x निकल गया हमारा। उतार लें, चलिए डन। उसके बाद अगर हम जाने cos 3x तो कैसे निकालेंगे, cos 2x प्लस एक्स, cos 2x इंटू cos x, cos a प्लस बी, cos इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, साइन 2x इंटू साइन x। cos 2x क्या होगा, cos के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x माइनस साइन 2x क्या होगा, 2 साइन x इंटू cos x इंटू साइन x। 2 cos स्क्वायर x इंटू cos x क्या होगा, 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 साइन x इंटू साइन x इंटू साइन स्क्वायर x, 2 cos x इंटू साइन x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस 3x को सबको कॉस के फॉर्म में लेके आना, कॉस के टर्म्स में 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स, 2 कॉस क्यूब एक्स 2 कॉस क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 एक्स 2 कॉस माइनस 3 cos x। तो ये हो जाएगा आपका cos 3x, ठीक है। और अगर हम इसको लिखें cos 3x प्लस 3 cos x बराबर 4 cos क्यूब एक्स, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उतार लें, डन। अगर नहीं उतार पा रहे हैं तो आप पॉज करके तो उतार सकते ही हैं, ठीक है। चलिए cos 3x हो गया, फिर क्या जान सकते हैं हम लोग, tan 3x कैसे होगा बताइए, tan 2x plus x, that is tan a plus b, tan a plus tan b बटे 1 minus tan a into tan b। tan 2x क्या होता है,
टू टेन एक्स बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स बटे वन माइनस टेन टू एक्स क्या होता है, टू टेन एक्स बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करें तो टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे ये वाला वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर बटे यहाँ वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू वन क्या होगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स टू टेन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू टू टेन एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस टेन एक्स इंटू वन टेन एक्स, टेन एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स बटे क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स। कुछ गलती हुई क्या, गलती तो हुई है, गलती ये हुई है कि टेन टू एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या होता है माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस, मैंने कुछ गलत करा था उसको ठीक कीजिए, टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स बटे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, दैट इज टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला हो गया, टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स कितना हो जाएगा थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, अगर मैंने सही प्रोसीड किया तो आप देख लीजिए उतार लें। चलिए साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स और टेन थ्री एक्स के फॉर्मूले को हमने जान लिया, अब कुछ और बात जो बची हुई है वो हम लोग जानते हैं, वो क्या बातें बची हुई है वो बताइए, वो है कि आप लिखते हैं साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये वन है और ये टू है, इसको अगर वन और टू को क्या कर दें ऐड कर दें, वन और टू ऐड कर दें तो क्या होगा ये दोनों ऐड हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, जब ऐड होगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, कॉस एक्स साइन वाई कॉस एक्स साइन वाई ये बचेगा ये ऐड हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई क्या हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और अगर घटा दें वन माइनस टू दैट इज ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, जब घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे घटेगा यहाँ माइनस साइन हो जाएगा यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये पूरा घट रहा है ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये कट जाएगा ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई क्या हो जाएगा टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो एक नया फॉर्मूला हमें ये मिला और एक ये मिला, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, फटाफट नोट डाउन करें फटाफट करें, फिर एक जगह लिखना पड़ेगा बहुत मुश्किल है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब जानेंगे इसी को किसके बारे में कॉस के बारे में जानेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस ऐसे में क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम जानें इसको ऐड करें, ये हमारा इक्वेशन वन है मान लेते इक्वेशन टू है, तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू, ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए, ऐड करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और अगर घटाएं तो वन माइनस टू तो ये घट जाएगा दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, जब घटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, ऐड होके निगेटिव में ऐड होगा, मतलब निगेटिव ही आंसर आएगा, टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये तो आपको समझ आना चाहिए, बस मैंने वन माइनस टू किया, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को घटाया, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से घटाया, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। और एक और रिजल्ट आया, तो चार और भी हमारे पास रिजल्ट आया, एक क्या साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है, इतना आप नोट डाउन करें। चलिए डन, तो हमने क्या जान लिया, हमने जाना साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये चारों रिजल्ट्स आपको एक साथ याद होना चाहिए, या प्रोसेस के साथ आपको याद हो तो और बेटर है। अब मैंने क्या किया, x प्लस वाई को कुछ मान लिया, अल्फ़ा मान लिया और x माइनस वाई को बीटा मान लिया, इसको ऐड कर दिया, वाई वाई कैंसिल, 2x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, x बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। अब वही सेम x प्लस वाई बराबर अल्फ़ा, x माइनस वाई बराबर बीटा, अभी घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ठीक है, एक्सेस कैंसिल, टू वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा घटेगा, वाई बराबर क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बटे दो। तो वाई को अभी हमको लिखना है और एक्स को अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में, किस में लिखना है, अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में। तो अब हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी, साइन एक्स प्लस वाई, दैट इज़ यहाँ पर अगर लिख दूँ, ये हो जाएगा साइन सी प्लस एक्स माइनस वाई डी, सी तो नहीं, अल्फ़ा और बीटा माने, इतना आप नोट डाउन कर लें, पहले इतना उतार लें, वन टू थ्री। चलिए हमने क्या जाना कि x प्लस वाई को हमने अल्फ़ा माना, x माइनस वाई को बीटा, और x आया अल्फ़ा प्लस बीटा बटे दो और y आया अल्फ़ा माइनस बीटा बटे दो, ठीक है, तो तब नोट लिख कर लिए होंगे। तो यहाँ से अगर देखें, ये आएगा cos x प्लस वाई की जगह c, आई एम सॉरी पहले साइन है, सी तो नहीं, मैं सी इस्तेमाल करता हूँ, सी याद हो गया, एक्स प्लस वाई कितना है अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा प्लस एक्स माइनस वाई कितना है बीटा इज इक्वल टू टू साइन, क्या हो जाएगा, एक्स कितना आया अल्फ़ा प्लस बीटा बटे दो इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बटे दो। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई दो इंटू कॉस, और यहाँ पे साइन होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बटे दो, नेक्स्ट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई दो इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई दो। इसी तरीके से कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा यहाँ पे पुट कर दें अगर, तो आएगा माइनस टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। इस तरीके से और भी हमारे पास चार फार्मूले आ गए, लेकिन सबका ओरिजिन क्या है, साइन एक्स प्लस वाई। आई थिंक कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। लास्ट जो है वो है ग्राफ का खेल, डन। चलिए थोड़ा ग्राफ जान लेते हैं, साइन कॉस टैन का, ठीक है। अब मान लेते हैं ग्राफ अगर जाने, ये हमारा एक्स है और ये साइन एक्स है, इसको हमने वाई मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, तो वाई बराबर क्या होगा साइन एक्स, ये फंक्शन है, साइनोसॉइडल फंक्शन कहते हैं, ज़ीरो डिग्री, नब्बे डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, चार्ट से आप जान सकते हैं, माइनस पाई बाई टू माइनस नब्बे डिग्री,
-180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री, और आगे भी बढ़ सकते हैं लेकिन इतना ही पे रुक जाते हैं हम लोग। हम लोग क्या जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ये ऑड फंक्शन है। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, मिनिमम कितना होता है, -1, या मैग्नीट्यूड में बात करें तो 0 से 1 तक होगा। साइन 0 क्या होता है, 0 आपको पता होगा, 90 डिग्री में साइन क्या हो जाता है, 1, फिर 180 में 0 और फिर 270 में कितना, -1, एक पैटर्न भी बना हुआ है, फिर 2π में आके फिर 0 हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया था, ये बातें मैंने पहले बता दी है। पाई बाई टू में अगर 1 है तो माइनस पाई बाई टू में क्या होगा, -1, ठीक है, पाई में 0 तो माइनस पाई में 0 कोई फर्क नहीं, 3π बाई टू में -1 है तो -3π बाई टू में क्या होगा, +1, और 2π में 0 है तो -2π माइनस 0, तो यहीं पे होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, तो ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, देखिए, ठीक है ना, ये ऑड फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनता है। डन, उतार लीजिए। चलिए, आई थिंक ये समझ आया होगा ग्राफ आपको, ये साइन का ग्राफ है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कॉस का, कुछ ऐसा ही होगा। कॉस का ग्राफ को भी हम लोग क्या कहते हैं, साइनुसॉइडल ही कहते हैं। ये एक्स है और ये क्या है, कॉस एक्स, वाई बराबर कॉस एक्स, और कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, मिनिमम क्या होता है, -1, या मैग्नीट्यूड में 0 से 1 होता है, और 0 है ये, और ये कितना है, पाई बाई 2, पाई 3π बाई 2, 2π, -π बाई 2, -π, -3π बाई 2, -2π, ठीक है। तो ग्राफ अगर बनाएं, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1, आपको पता ही होगा, cos 90 डिग्री 0, cos पाई -1, cos 3π बाई 2 0, और cos 2π फिर क्या हो जाता है, 1। तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, और cos पाई बाई 2 0 तो cos -π बाई 2 भी क्या होगा, 0, cos पाई -1, cos -π भी क्या होगा, -1, चूँकि ये दोनों बराबर होता है। cos 3π बाई 2 0, cos -3π बाई 2 भी 0, cos 2π अगर +1 होता है तो cos -2π भी क्या होता है, +1 होता है। यही है इवन फंक्शन की होगी, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ेगा। तो साइन जैसा ही है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं पे भी एक्स का कोई भी वैल्यू, थीटा का कोई भी वैल्यू पुट करें, एंगल का कोई भी वैल्यू पुट करें, तो कॉस का रिजल्ट आएगा ही। तो ये है कहानी किसकी, कॉस की। अब नेक्स्ट किसका जानेंगे, टैन का, उतार लें इसको। चलिए, टैन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इतना भी नहीं है कि बन नहीं सकता। ये एक्स और ये क्या होगा, टेन एक्स, वाई बराबर टेन एक्स, सेम कहानी है, टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, पहले बता चुके हैं। अब अगर मैं इसके ज़ीरो लूँ, ज़ीरो, और ये मैक्सिमम कितना होता है, नॉट डिफाइंड, मिनिमम क्या होता है, माइनस नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ज़ीरो, और ये कितना है बताइए, पाई बाई टू, पाई 3π बाई 2, 2π, -π बाई 2, -π, -3π बाई 2, -2π। मैक्सिमम मिनिमम तो आपको पता ही है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम पूरा रियल नंबर हो जाता है, और नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 में नॉट डिफाइंड होता है, और 3π बाई 2 में नॉट डिफाइंड होता है, तो -π बाई 2 में नॉट डिफाइंड होगा और -3π बाई 2 में नॉट डिफाइंड होगा। अगर ये ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं भी आए तो चिंता न करें, तब भी आप बहुत जान लिए, ठीक है। टैन 0 डिग्री कितना होता है, 0, और टैन पाई बाई 2, टैन पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब और टैन 45 डिग्री यहीं पे कहीं होगा या 1 होगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। पाई बाई 2 की तरफ शिफ्ट होते जाएगा और टैन का वैल्यू कहाँ होगा, नॉट डिफाइंड की तरफ, मतलब ये आगे बहुत इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, ठीक है, मिलेगा। और उसी तरह से ग्राफ इधर भी जाएगा, टैन 45 डिग्री यहाँ पे 1 होगा तो -45 -1 यहाँ पे कहीं होगा। इसी तरीके से टैन पाई क्या होता है, 0, और टैन 3π बाई 2 ये क्या है बताइए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से अगले 90 डिग्री पॉजिटिव, और 90 डिग्री से 180 डिग्री बीच टैन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और 180 से 270 के बीच थर्ड क्वाड्रेंट टैन क्या होता है, पॉजिटिव, ऐसे होगा। उसी तरीके से ग्राफ ये फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा। आई थिंक कि आपको कहानी समझ आई होगी, नहीं आई तो चिंता करने की कोई आवश्यकता
नहीं है। उसके बाद बचा किसका, सेक और कोसेक का, जिसमें शायद ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको कैसा लगा, और आपको जैसा भी आपको लगे, आपको लगता है कि बेसिक मैथ्स पे मुझे और भी कुछ रिकॉर्ड जल्दी से जल्दी करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको भी जल्दी करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जितनी सारी मैंने बातें बताई और वो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।